ना जरूरत को नहीं सीधा हो जाएगा। हाँ करूं शुरू। आज सिरसा जिले के चोटाला गांव में भाई राकेश फगेड़िया के नेतृत्व में एक पंचायत का आयोजन किया गया है और पंचायत की मुख्य मांग है 2020 का बर्बाद फसलों का मुआवजा जो 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है और पूरी डब वाली तहसील का है। इसके अलावा 2023 का बीमा क्लेम जो प्रीमियम किसानों का वापिस हुआ है। यहां के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मांग है जो नशे पे रोक लगाने के जो कदम है, चौकी से थाना प्रमोट करने की जो बात है, नहर में पानी की बात है, इन सारे मुद्दों को लेके पंचायत हुई है। इस पंचायत में हम भी आए, तमाम हमारे किसान संगठनों के नेता आए, भारतीय किसान यूनियन के साथी आए और पंचायत ने फैसला लिया है कि सरकार को 16 फरवरी तक का अल्टीमेटम है। या तो सरकार इन मांगों को 16 फरवरी तक माने, किसानों को मुआवजा और बीमा क्लेम दे, अन्यथा 17 तारीख से 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना जो चोटाला गांव है नेशनल हाईवे के साथ में एक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री और इस गांव से संबंध रखने वाले उप मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री, सत्ता में 5 यहां के विधायक हैं, वो भी इस बात को संज्ञान में लें कि उनके गांव के किसान भी आपकी सरकार की कारगुजारियों के कारण पंचायत करने पे, धरना लगाने पे और आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपके तहसील के किसान मजबूर हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा यहां जो धरना चलेगा, आंदोलन चलेगा, उसका पूर्णतः समर्थन भी करेगा और कंधे से कंधा मिलाकर के साथ भी देंगे और सरकार को झुकाने का सब मिलकर के काम करेंगे और यहां के किसानों को बीमा क्लेम, मुआवजा और जो अन्य मांग है उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।